देखिए बच्चों, डी और ए ब्लॉक के तत्व के जो यूनिट है उसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डी तथा ए ब्लॉक के तत्वों में अंतर लिखिए। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये जो डी ब्लॉक के तत्व है इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं और इनको हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। अंतः संक्रमण, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि संक्रमण तथा अंतः संक्रमण तत्वों में अंतर लिखिए। तो संक्रमण और अंतः संक्रमण तत्व में अंतर आए तो भी हमें डी और ए ब्लॉक के अंदर ही अंतर लिखना होगा। तो डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में अंतर, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये डी ब्लॉक के तत्व है ना, संक्रमण, इसमें दो कोश एन तथा एन माइनस वन अपूर्ण होते हैं, और जो ए ब्लॉक के तत्व हैं इसमें तीन एन, एन माइनस वन तथा एन माइनस टू कोश अपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें दो कोश अपूर्ण होते हैं और इसमें तीन कोश होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व सामान्यतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, यहाँ पे पॉइंट आ गया, और ए ब्लॉक के तत्व सामान्यतः अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो एक संक्रमण तत्व कहलाते हैं और अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक में इसमें बाह्यतः दो कोश अपूर्ण होते हैं, फिर इसमें बाह्यतः दो कोश अपूर्ण होते हैं, इसमें बाह्यतः तीन कोश, इसमें एन तथा एन माइनस वन अपूर्ण होते हैं, इसमें एन, एन माइनस वन तथा एन माइनस टू कोश अपूर्ण होते हैं। इनको सामान्यतः संक्रमण तत्व कहते हैं, इनको सामान्यतः अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। फिर डी ब्लॉक के तत्व जो हैं, डी ब्लॉक के तत्व प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व प्रकृति में उपलब्ध होते हैं आसानी से। ए ब्लॉक के तत्व बहुत ही कम अर्थात दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं। ए ब्लॉक के जो तत्व है प्रकृति में बहुत ही कम पाए जाते हैं, इसलिए इसको दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। और डी ब्लॉक के जो तत्व हैं ये स्थायी होते हैं, और ये तत्व कम स्थायी होते हैं, अधिकांशतः रेडियो एक्टिव तत्व हैं, है ना। तो ये क्या है, कम स्थायी है, इसलिए रेडियो एक्टिव होने की वजह से कम स्थायी है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एन माइनस वन डी वन से टेन, एन एस वन से टू होता है, और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो एन माइनस टू एफ वन से फोर्टीन, एन माइनस वन डी जीरो से वन और एन एस टू होता है। हमने जो शुरू पॉइंट देखा ना कि इनमें दो कोश अपूर्ण होते हैं, तो इसमें एक ही एन तथा एन माइनस वन अपूर्ण होते हैं, इसमें तीन कोश एन, एन माइनस वन तथा एन माइनस टू अपूर्ण होते हैं। तो और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इससे बनता है, एन माइनस वन डी वन से टेन, एन एस वन से टू, और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एन माइनस टू एफ वन से फोर्टीन, एन माइनस वन डी जीरो से वन तथा एन एस टू होता है। अब इनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है ये भी हम इसमें बता सकते हैं अंतर के अंदर, कि संक्रमण तत्वों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी चार श्रेणियाँ अभी हमने पढ़ी थी, 3D, 4D, 5D और 6D, और इनको हमें अंतः संक्रमण तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है 4F और दूसरी है 5F, लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी, है ना, इन दो श्रेणियों में इनको बांटा गया है। तो इनका जो अंतर है हमने जो क्वेश्चन आगे पढ़े हैं उनसे भी हम बता सकते हैं। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं शुरू से, और इसको चाहो तो एक साथ फ़ोटो के लिए मैं स्क्रीनशॉट के लिए भी इसको पूरा आंसर एक बार में, थोड़ा छोटा दिखेगा पर बता देते हैं। देखिए क्या है, डी ब्लॉक के तत्व है ना, वे तत्व जिसके इसमें दो कोश एन तथा एन माइनस वन अपूर्ण होते हैं, इसमें तीन कोश एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू अपूर्ण होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को सामान्यतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, और ए ब्लॉक के जो तत्व है वो अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होते हैं, और ए ब्लॉक के तत्व प्रकृति में आसानी से उपलब्ध नहीं होते, इनको दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। ये तत्व स्थायी होते हैं, ये तत्व कम स्थायी होते हैं क्योंकि अधिकांशतः रेडियो एक्टिव होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एन माइनस वन डी वन से टेन, एन एस वन से टू होता है। यहाँ पे हमने दो कोश की बात की थी, एन माइनस वन और एन, यहाँ देखो एन माइनस वन डी वन से टेन, एन एस वन से टू होता है। और इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह एन माइनस टू एफ वन से फोर्टीन, एन माइनस वन डी जीरो से वन तथा एन एस टू होता है। इनमें देखिए तीन कोश अपूर्ण होते हैं, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, तो ये एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, यहाँ पर भी देखो एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू। संक्रमण तत्वों को चार श्रेणियों में बांटा गया है, और अंतः संक्रमण तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। और संक्रमण तत्व जो है चार श्रेणी कौन कौन सी होती है, तो हमने पढ़ा था 3D, 4D, 5D और 6D, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, और इनको दो, तो एक है 4F और दूसरा है 5F, लेंथेनाइट श्रेणी तथा एक्टिनाइट श्रेणी में इनको बांटा गया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, और ये 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको तो अच्छे से तैयार कर ही लेना। डी तथा ए ब्लॉक के तत्वों में अंतर लिखिए। थैंक यू बच्चों।